राजद भी सूत्रीय कमेटी में स्थान नहीं मिलने से पूरी तरह से महागठबंधन में पार्टी की उपेक्षा को लेकर उचित निर्णय लेने की बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेताओं पर महागठबंधन धर्म नहीं पालन करने का आरोप लगाते हुए आगे कड़ा निर्णय लेने की बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको, लिस्ट भी है और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर तमाम लोगों को धन्यवाद भी देते हैं। कितना खाए क्या बात है, इतना सीरियस कि अगला सोचे कि बहुत सीरियस हो गया, हमारा मानना है कि हम लोग जो यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय जनता दल का एक डेलीगेशन मंडल मिलकर के और हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस तरह आपने चतरा में कमेटी बनी, उसमें JMM और कांग्रेस दोनों को प्रतिनिधित्व दिया और अन्य जिला में अन्य 10 जिला और बने हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हम लोगों का मांग है कि जल्द ही हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से मिलने वाले हैं कि जिस तरह चतरा में जेएमएम और कांग्रेस की भागीदारी दिए हैं उसी तरह सभी जिलाओं में राष्ट्रीय जनता दल की भागीदारी भी मिलना चाहिए, जिला और प्रखंडों में कम से कम मेंबर तो ज़रूर मिलना चाहिए। कि हर एक क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी RJD के उम्मीदवार थे और जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जहाँ जहाँ JMM के उम्मीदवार थे, हम लोग 18 से 20 सीटों पर उन लोग को जिताने का काम किया है। अगर गठबंधन में नहीं रहता RJD तो उतनी सीटें जीतने का सवाल ही नहीं उठता था, तो सरकार बनाने में RJD की अहम भूमिका रही है। और आज जब बीसूत्री के गठन की बात हुई तो बीसूत्री के गठन में RJD को दरकिनार किया गया है, RJD अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इस प्रकार के निर्णय जो लिए हैं माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, तो कांग्रेस और JMM मिल करके ये लोग बीसूत्री के जिला का बंटवारा कर लिए, जबकि होना चाहिए था कि अगर साथ ही लड़े थे, सारा चीज़ हम लोग त्याग कर दिए और इतने त्याग करने के बाद भी साथ ही सीट मिला था, तो 7 सीट भी 80-81 के हिसाब से अगर जोड़िए तो कम से कम 3 सीट हम लोग को जिला में बीसूत्री के उपाध्यक्ष को मिलना चाहिए था। इसके अतिरिक्त पूरे झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का संगठन है, हर एक प्रखंड में अगर एक जिला में 10 प्रखंड है, 20 प्रखंड है, तो 20 प्रखंड में उस रेशियो में हमको प्रखंड का अध्यक्ष का पद मिलना चाहिए था राष्ट्रीय जनता दल को, JMM को, कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल तीनों का होना चाहिए था, प्रखंड अध्यक्ष में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। इसके बाद जहाँ तक जिला में जो मेंबर का सवाल है, सदस्य का सवाल है, उस सदस्य में भी समानुपातिक ढंग से राष्ट्रीय जनता दल को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, प्रखंड के बीसूत्री कमेटी में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये जो महागठबंधन की सरकार है राष्ट्रीय जनता दल को उपेक्षित करते हुए, दरकिनार करते हुए केवल कांग्रेस और JMM के बीच में लोग सीट का बंटवारा किए हैं, जो न्याय संगत नहीं लगता है, गठबंधन के ये विरुद्ध है।
देखिए इस बात को हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व को से अवगत करा दिए हैं। शीर्ष नेतृत्व इसके लिए अपना बात कर रहे हैं और हम लोग जैसा उनका निर्देश होगा उस अनुसार हम लोग चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो महागठबंधन की सरकार बनी उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद जी का अहम भूमिका रही, अहम योगदान रहा। उन्होंने अपनी सब कुछ, अपनी सारी सीट देखे कि त्याग कर उन्होंने बीजेपी को हटाने का मन बनाया था कि बीजेपी को हमको हटाना है, उसमें अहम भूमिका निभाया, बीजेपी को यहाँ से सफाया किया और महागठबंधन की सरकार बनी। अब महागठबंधन की सरकार बनी है तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारे जो सरकार में सम्मिलित हैं हमारे, तो वो कहीं ना कहीं उनके बातों को भूल रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसके नज़रअंदाज करना वो आगे के लिए शुभ संकेत नहीं है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अभी से भी है, समय है, उसमें संभल जाए। हमारा जो 20 सूत्री का मांग है कि हर जिले में हमारा कुछ न कुछ करता ठीक है, उनकी 5-3-2 होती है तो हमारा भी उसमें 2-3 होना चाहिए सदस्य थे, वहाँ भी हमारा मांग है कि जिस पे चुनाव लड़के हम लोग हारे थे वहाँ भी मांग है कि वहाँ हमारा जो उपाध्यक्ष हमको वहाँ उस विधानसभा में या उस प्रखंड में दिया जाए। उस्ताद आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से, अरे वाह आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।